एक तरफ आपको ऐसे पीडीएफ देखने को मिलेगी जहां पे कोई भी पेज नंबर नहीं लिखा है, किसी भी पेज पर नहीं लिखा है, दूसरी तरफ आपको इस पीडीएफ को चेंज करना है इस तरीके से जहां पे हर पेज पे पेज नंबर लिखा हो। कितना बड़ा होगा, कौन सा फॉन्ट होगा, कौन सा यहाँ पे कलर चूज होगा फॉन्ट के लिए, वो सब आप चूज कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज आगे आपको बताने वाली हूँ। और पर पीडीएफ एडिट पे आपको $5, $10, इवन आपको $20 तक की भी अर्निंग हो सकती है। कैसे क्या करना है, हर एक चीज आगे आपको वीडियो में पता चलती रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो देखा आपने कितना सिंपल सा काम है, आप अपने घर पे भी ये काम कर सकते हो, अपने फोन से कर सकते हो, कोई स्पेशल डिग्री या स्किल्स आपको नहीं चाहिए है इस काम के लिए। दिन में अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट फ्री हो तो आराम से आप ये काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि आप नई चीज को सीखोगे, बट उसके बाद जब आप हर चीज अच्छे से समझ जाओगे तो 5-5 मिनट का काम है, 10-10 मिनट का काम है और आपकी अर्निंग अच्छी से अच्छी होगी। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, जितना कम आप काम करोगे उतनी कम आपकी अर्निंग होगी, मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। बाकी अर्निंग आपकी यहाँ पे 100% होने वाली है क्योंकि जिस वेबसाइट के बारे में मैं बताने वाली हूँ, काफी सालों से ये वेबसाइट वर्क कर रही है, बहुत सारे लोगों को पे कर चुकी है, आप भी करती है और आगे फ्यूचर में तो और भी ज्यादा स्कोप होने वाला है इस वेबसाइट का। चलिए जल्दी से बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इसको लाइक एंड शेयर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे रिलेटेड टू How to earn money online, work from home job, part-time job, online learning apps and much more. तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ईबुक है जिसके किसी भी पेज पे कोई भी नंबर नहीं ऐड है। आपको यही वर्क करना है कि इसके पेजेस पे आपको नंबर लिखने हैं। डोंट वरी, आपको एक एक करके नहीं लिखना है, इसके तो 36 पेज हैं, हो सकता है आपको 100 पेजेस वाली मिल जाए या हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा बड़ी मिल जाए क्योंकि बड़ी ईबुक्स भी होती हैं। आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी, बस 5 से 10 मिनट आपको इस काम को करने में लगेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है तो इसके लिए आपको 10 मिनट लगेंगे, बट जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो बस 5 मिनट आपको लगेंगे और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको पर ई बुक पे $5 स्टार्टिंग में मिलेंगे। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा आपके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, आपको $10 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, $20, $30, ऐसे ही ऐसे आपके यहाँ पे प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है tinywow.com, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आओगे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, ये जो वेबसाइट है ना टूल्स का पूरा भंडार है, यहाँ पे ना आपको हर चीज का एक टूल मिल ही जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप ऑल टूल्स पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इन ऑप्शन से अपना यहाँ पे टूल ओपन कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा दिखाती हूँ, ऑल टूल्स पे जब आप जाओगे क्लिक करोगे, ऑल टूल्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पीडीएफ वाले में है हमारा टूल या इमेज वाले में है या राइट वाले में है या फाइल वाले में है, तो इसलिए आप ऑल टूल पे भी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ऑप्शन आएगा एड नंबर्स टू पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करूंगी जहाँ पे सेव है और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी अपलोड। यहाँ पे एक फाइल अपलोड हो रही है। अब आपको ना सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चूज करना है, जैसे कि फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं आपके सामने, एप्रिल होना चाहिए या फिर और कोई यहाँ पे होना चाहिए, तो आप फॉन्ट को यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे बट मुझे यही वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यह रहने दूंगी यहाँ पे ऐसे ही। अब यहाँ पे बारी आती है फॉन्ट साइज की, तो साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पे 48 साइज है ये, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे हम 35 करके देखते हैं, तो ये ऐसा है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह पे पेज नंबर चाहिए, साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, अबव चाहिए, बिलो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड नंबर्स पे कर दूंगी क्लिक। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी ही ये डाउनलोड भी हो जाएगी। डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है,
आपको एक्टिंग और करनी है तो कीप एडिटिंग पे क्लिक कर सकते हो, दोबारा से स्टार्ट करना है, कोई मिस्टेक हो गई गलती से आपने डाउनलोड वाले उस पे सेक्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से स्टार्ट ओवर भी आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं डाउनलोड करूंगी यहाँ से। आप डाउनलोड में भी ना आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप डिवाइस में सेव कर सकते हो या फिर ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो मैं डिवाइस में सेव करूंगी यहाँ पे, मेरे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, सेव होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये ई बुक्स या पीडीएफ आप कह सकते हो कहाँ से मिलेंगी। ये ऑर्डर्स की आप नंबर ऐड करके इनको भेजो और आपको $5 $10 ऐसे कहाँ से अर्निंग होगी, उसके लिए आपको आ जाना है fiverr.com पे। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे एड नंबर्स टू पीडीएफ, आपको यहाँ पे टोटल 2237 सर्विसेज अवेलेबल मिलेंगी, जिसमें से कुछ अलग भी है और कुछ सेम भी है। मैंने अभी यहाँ पे रुपीस का साइन ऑन कर रखा है तो आप यहाँ पे रुपीस देख रहे हो। मैं एक मिनट यहाँ पे डॉलर का साइन इंक्रीज कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को ना डॉलर्स में अर्निंग देखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई $5 ले रहा है, कोई $10 ले रहा है, कोई यहाँ पे $20 भी चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे और भी गिग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अगर आपको खुद के कस्टम फोन्स बनाने आते हैं तो आप ऐसी गिग रख सकते हो, $30 चार्ज करते हैं। अब तक 368 ऑर्डर्स ये ले चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और क्यू में भी हैं। या फिर आप एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आपको पसंद है, आपको आता है अच्छे से, पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करना आपको आता है, तो आप ऐसे गिग्स भी और एड कर सकते हो। एक गिग का मैंने आपको बताना था, मैंने दो तीन तरीके आपको बता दिए हैं अर्निंग के, कोई भी आप जो भी सुटेबल लगे ना आपको अपने लिए, जो भी आपको आता है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, उस वर्क को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो एज अ सर्विस। और लोग सर्विसेज लेते हैं यहाँ से क्योंकि उनको काफी सस्ता पड़ता है, आप ना घंटे के हिसाब से या फिर एक काम के हिसाब से अर्निंग लेते हो। अगर वही काम उनको किसी पर्सन से करवाना पड़े, ऑफिस में बैठा के किसी से करवाना पड़े, तो उनको पूरे महीने की सैलरी देनी पड़ती है। इसीलिए आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन जो फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स हैं वहां से काम लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इजी सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। और पर पीडीएफ पे आपको यहाँ पे $5 $10 ऐसी अर्निंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसको लाइक एंड शेयर करना, ऐसी और भी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। और नई नई जो भी तरीके मुझे पता चलते रहेंगे अर्निंग के जो रियल है वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहे रिलेटेड टू How to earn money online, work from home job, part-time job, make money online, fiverr.com, freelancing and much more. तो चलिए अब इस वीडियो को हम करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।